मुझे लगता है कि मनीषा ने काफी हर्ट किया है मुझे उस मामले में, मुझे काफी नेगेटिवली पोर्ट्रे कर दिया गया है। उनका बैकअप ना होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव वन द शो, क्योंकि अंत में ऑफ कोर्स एल्विश वन बिकॉज ही हैड मोर सपोर्ट एंड मोर वोट्स, तो फॉलोअर्स और वोट्स मिल रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। तो मैं और वक्त बताना चाहती थी बट देन आलिया केम एंड आई जस्ट डिडंट फील कंफर्टेबल एंड आई लेफ्ट अर्ली। अभिषेक दिल से बहुत अच्छा इंसान है। बॉडी शेम करना एक बहुत ही निचली और छोटी बुद्धि का काम है। पहला मैसेज मेरा उसका था हाय एलविस दिस इज बेबी का अर्थ, लाइक हाय हनी इन माय स्टाइल। टीवी के लिए तो ऑफ कोर्स आई वाज नॉट गेटिंग लीड बिकॉज आई वाज फैट। हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री निर्मल एंड टुडे एट पिंकुला वी हैव वन ऑफ द बिग बॉस ओटीटी 2 फिनालिस्ट बेबिका धुर्वे। शी एंटरटेन्ड अस टिल द वेरी लास्ट डे एंड हियर वी आर। Welcome to Pinkola. Thank you so much for having me. Yes. तो बिग बॉस के घर से निकलते ही आपने कुछ क्लिप्स देखे होंगे घर के अंदर से, तो किसी को देखकर ऐसा लगा कि इसने बैक स्टैब किया है मुझे? वेल, मेरे खिलाफ तो पूरा घर था एक पॉइंट पे, काफ़ी बुरी तरह से टारगेटेड थी मैं और काफ़ी लोग मेरे खिलाफ होते थे, तो और काफ़ी लोग मेरे लिए भी होते थे, जैसे कि मेरा अपना एक सेट ऑफ जेन्युइन सर्कल था, पूजा मैम थे, जैड था उसमें, अविनाश थे, फलक थी, तो हाँ लगता है काफ़ी हद तक लोगों ने किया है हर्ट। तो मुझे लगता है कि मनीषा ने काफ़ी हर्ट किया है मुझे उस मामले में। या ओके, और क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में बिग बॉस घर के बाहर आने के बाद? हाउ हैव पीपल स्टार्टेड परसीविंग यू? वेल, बिग बॉस के शो में जो आपकी इमेज बनाई जाती है कंटेंट के लिए, उसके बियॉन्ड लोगों ने मुझे समझा है, स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने लाइव देखा है। तो जो एपिसोड्स देख रहे थे उन्होंने मुझे काफ़ी मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा, बट जिन्होंने लाइव 24/7 देखा है उनके सामने मुझे अपने आप को समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने सब देखा है, तो वो मुझे बहुत बेहतर समझ चुके हैं और बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। सब कह रहे हैं कि शेरनी थी बिग बॉस के घर की जो अकेले सबसे भिड़ती थी, और बहुत सपोर्ट मिल रहा है लोगों का और मुझे अपने आप को समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। जो रियल क्वालिटी ऑर्गेनिक ऑडियंस है जिन्होंने शुरुआत से सब कुछ देखा है लाइव स्ट्रीमिंग पर भी, तो वो सब समझ चुके हैं। बिग बॉस 17 के बारे में क्या ख्याल है आपका, जाना चाहेंगे? आई हैव बीन अप्रोच्ड ऑलरेडी, देखा मैं अपना वक्त लूँगी थोड़ा बताने के लिए, क्योंकि इट्स वेरी एविडेंट कि एक इमेज परसेप्शन बन जाता है और कंटेंट रिलेटेड आपका फिर वो लोग अपने हिसाब से क्रिएटिव कॉल ले लेते हैं, तो मेरे साथ वैसा हुआ है, मुझे काफ़ी नेगेटिवली पोर्ट्रे कर दिया गया है विलिंगली और अनविलिंगली, तो मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा फिर हो, तो इट्स वेरी यू नो अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल। तो बट आई लुक फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स, लाइक मैं मूवीज़ और म्यूज़िक वीडियोज़ और इसकी तरफ ज़्यादा देख रही हूँ, तो अब रियलिटी से थोड़ा मेरा रियलिटी शो से थोड़ा अबैक है, बट यू नेवर नो, यू नो यू कैन नेवर से नेवर। बट लाइक यू सेड यू वर पोर्ट्रेड नेगेटिवली, डू यू थिंक हैड इट नॉट बीन दैट वे यू वुड हैव लिफ्टेड द ट्रॉफी? 101%। अगर बाकी इतने जो एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार्स थे यूट्यूब और सोशल मीडिया के, जिनका ऑलरेडी इतना एस्टैब्लिश्ड फैन बेस था, और मैं वहाँ गई थी एक गरीब इंसान की तरह अमीरों की बस्ती में, सबसे गरीब तो मैं ही थी, क्योंकि ना मेरा फेस नोन था ना मेरे पास एस्टैब्लिश्ड फैन बेस थी स्ट्रॉन्ग जो मेरे लिए बोल पाए, तो मेरी जर्नी सबसे डिफ़िकल्ट रही है और चैलेंजिंग रही है। वही उनकी सिचुएशन होती, क्या वो इतना आगे आ पाते, ये मेरा क्वेश्चन रेज होता है। बट या मुझे लगता है अगर वो सब उनका बैकअप ना होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव वन द शो। सो यू थिंक इट्स ऑल अबाउट फॉलो सोशल मीडिया फॉलोअर्स इन द एंड? इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स, क्योंकि अंत में ऑफकोर्स एल्विश वन बिकॉज ही हैड मोर सपोर्ट एंड मोर वोट्स, तो फॉलोअर्स और वोट्स मिल रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट प्ले करता है आपके लिए। अब नॉमिनेशंस में आप मुझे किसी एस्टैब्लिश्ड प्रोफाइल के साथ आप रख दीजिए जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स है, उसको ऑफकोर्स वोट्स ज़्यादा आएंगे। मैं घर में कितना भी रहूँ और कितनी भी कोशिश करूँ, कॉन्टेंट दूँ जो भी दूँ, बट पलड़ा उनका भारी रहेगा, क्योंकि उनकी ब्लाइंड लॉयल्टी ऑलरेडी रहती है जो जाती नहीं है। ओके, You seem to have forged a new bond with Abhishek Malhan. Yeah. Let the bygones be bygones. Well, soon after the finale, when we went home, मैं अगली सुबह ही जाना चाहती थी, but मुझे लगा कि let him rest because he's a patient and मैंने उसकी situation घर में भी देखी थी कि कितना weak हो गया था, चल नहीं पा रहा था, वो लंगड़ रहा था और उसके muscles में cramp आ रहे थे, तो मैंने कहा कि I'll let him rest a little. Then अगले दिन I spoke to his mom. I'm in good talking terms with his mom and I spoke to her. I was like, auntie, मुझे आना है and I really want to meet him. तो आई वेंट, ही वॉज सुपर हैप्पी, आई डिडंट एक्सपेक्ट ही बी हैप्पी, आई थॉट ही बी लाइक ये आ गई, ये कैसे आ गई, बट ही वॉज वेरी हैप्पी, हैड अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस एंड ही ग्रीटेड मी विद सो मच वॉर्म्थ एंड हिज मम वॉज देयर
एंड वी हैड अ गुड चैट एंड वी स्पोक विद ईच अदर एंड अच्छा था वक्त. तो मैं और वक्त बिताना चाहती थी बट देन आलिया केम एंड आई जस्ट डिडंट फील कंफर्टेबल एंड आई लेफ्ट अर्ली, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू. एंड लकीली मेरे आने के एक घंटे बाद ही कहा गया कि उसे डिस्चार्ज मिल सकता है. तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो रिकवर होकर फाइनली घर जा रहा है, बिकॉज आई कुड सी दैट ही वॉज डेस्परेट टू गो बैक होम. एंड या इट्स ऑन गुड टर्म्स एंड आई बिलीव अभिषेक दिल से बहुत अच्छा इंसान है. उसके मन में किसी के लिए खटास या बुरापन रह नहीं पा. हम दोनों घर में भले ही एक ग्रज होल्डर्स की तरह बिहेव करते थे कि मैं खुन्नस में हूँ तू खुन्नस में है, बट व्हेन वंस वी केम आउट कुछ नहीं रहा यार. आई डोंट नो हाउ बट इट्स जस्ट देयर इज नथिंग, नो बीफ. कभी रिग्रेट हुआ कि यार सब टेम्पररी था, व्हाई शुड आई शुडंट हैव रिएक्टेड द वे आई डिड? मैंने घर के अंदर भी बोला है कि अभिषेक से मेरी हुई लड़ाइयों को अगर एक अलग तरीके से मैं हैंडल कर पाती तो शायद सिचुएशंस बेटर होती, टॉक्सिक ना हो पाती. तो या दैट इज़ वन रिग्रेट कि आई शुड हैव यू नो हैड कुड इवन ही शुड हैव. आई वुडंट से इट वाज अ टू वे स्ट्रीट, दोनों तलवारें बन चुकी थी एक ही कमान में. तो हम दोनों अपने अपने हिस्से की हिस्से का गुस्सा अगर अच्छे से कंट्रोल कर पाते और सही ढंग से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते तो मुझे लगता है हम दोनों काफ़ी, दोनों भी स्ट्रांग थे. अगर यूनाइटेडली आगे चलते तो सिचुएशन बहुत अलग होती गेम की. बट व्हाट्स मेंट टू बी इज मेंट टू बी, आई डोंट नो हाउ. एंड हाउ आर थिंग्स विद पूजा भाटजी, हैव यू मेट हर? दे आर प्लानिंग ऑन टू मीट हर, शी वेंट ऑन अ वेके बट शी इज डाउन ऑन डाउन विद वायरल नाउ एंड शी इज नॉट एबल टू स्टेप आउट मच. बट वंस शी रिकवर्स आई एम प्लानिंग टू मीट हर एंड वी हैड अ गुड वीडियो कॉल सून आफ्टर द फिनाले एंड आई मेट हर एंटायर फैमिली एज विद हर ब्रदर शाहीन जी एंड महेश भट्टी. So, yeah, I am eagerly waiting to meet her. Abhishek body shamed you, Elvish made a derogatory remark. And what were your feelings at that moment? Because, you know, as a person, when these marks are put at you, it tends to trigger some emotion in you. So what was the feeling at that moment? How do you think my aggression and rage came so much? How do you think I was so defensive about everything? How do you think I was defending my self-respect? इट केम फ्रॉम समवेयर. तो वो कंटिन्यूस होता जा रहा था. एक बार उसने बॉडी शेम किया, पूजा मैम के कहने पे उसने माफ़ी मांगी, फिर वापस करने लग गया लगातार. तो वो बिल्ड होता रहता है ना, इट रियली बिल्ड्स लाइक अ हर्टफुल पेन. और वो होते 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 फिर ऑफकोर्स लैश आउट होगा. तो वहाँ मेरी फिर उसके लिए थोड़ी नापसंदी और डिसलाइकिंग होने लगी एंड आई वॉज अवे फ्रॉम दैट गाय. बिकॉज वो करता था, रिग्रेट करता था, फिर वही हरकत कर देता था. तो बुरा लगता था एंड ऑफकोर्स इट्स ऑल सर्क्यूलेटिंग, पीपल आर मेकिंग वीडियोज ऑन इट एंड इट फील्स वेरी बैड, फील्स वेरी बैड. बट आई बिलीव कि बॉडी शेम करना एक बहुत ही निचली और छोटी बुद्धि का काम है. एक इंटेलेक्चुअल और समझदार इंसान कभी वो नहीं करता है, बट अभिषेक बहुत इंटेलिजेंट इंसान है. इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि वो क्यों ऐसे मीडियम्स चुन रहा है किसी से लड़ने के लिए. आई मीन जब बोलने को कुछ बचता नहीं है तो अरे इसको बॉडी पे बोल दो, रंग पे बोल दो, हाइट पे बोल दो, कुछ कर दो. तो ये बहुत ही छोटी सोच है. बट मुझे लगता है अभिषेक की पर्सनैलिटी इज वे बिगर देन दिस. तो इवन ही मस्ट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द जर्नी. ओके, आर यू इन टच विद एल्विश? या आई हैव बीन टॉकिंग. तो पहला मैसेज मेरा उसका था, हाय एल्विश, दिस इज बेबी का अर्थ. ही हाय हनी इन माई स्टाइल. So it means he's super fun even then. That was his first reply to me. मेरे ही स्टाइल में बोला था, ओ हाय हनी करके. तो एंड मैंने आई मीन he was going through a very you know security based travel. मुंबई से फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर गुड़गांव, और बहुत ही सिक्योर तरीके से उसे यू नो ट्रैवल करवाया जा रहा है. इसलिए बेचारा हॉस्पिटल भी नहीं आ पाया अभिषेक के लिए. तो या आई एम इन टच विथ हिम एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय एट हार्ट एंड हिज सार्कैज़म इज़ ऑन पॉइंट एंड ही इज़ हिलेरियस एंड या आई एम इन ग्रेट टर्म्स विथ हिम. So please spill some beans on how fashion transformed you into a fierce advocate for body positivity. Well, I believe that I am really building confidence into a lot of women out there who are loving their shape, loving their body, loving their skin, and who want to dress up the way they want to. I mean, even Pooja ma'am appreciated me that I'll take you to Brazil because women there, they really love their body. There's a Copacabana beach and she'd been telling this time and again in the show ki aurte wahan apne badan ko बहुत प्यार करती हैं और वो सोचती नहीं है वो कैसी लग रही है क्या पहन के. तो इवन आई एम पुटिंग आउट अ वेरी गुड एग्जांपल आउट देयर. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स वे थिक चिक्स लाइक मी, थिक लेडीज विद अ थिक स्किन एंड थिक माइंड एंड थिक हार्ट, दे आर मैसेजिंग मी एंड टेलिंग मी दैट वी रियली आइडियलाइज यू एंड वी आर इंस्पायर्ड बाई यू. तो आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी. तो ऑल दिस स्टूपिड लेम बॉडी शेमिंग इज गेटिंग
really petite and minute and negligible in front of the inspiration that I'm putting forward. So if I'm inspiring a lot of women out there to love their body the way it is and dress up how they want to, irrespective of ki duniya kya kehti hai, duniya jaye bhaad mein, to wo inspiration jo main de rahi hu wahan, wo bahut badi hai in front of this nichli ridiculous body shame. So has there been an instance where you've been rejected because of this in the industry? Many times. TV ke liye toh, of course, I was not getting lead because I was fat. Then I got hero sister's role. Toh abhi pata nahi, abhi toh I'm in process. But yeah, many times I was rejected, especially for TV. Toh mushkil hota tha, but it's okay. I always believed in myself. You've seen my confidence in the house. You've seen my self-belief throughout the time. So I think I'll carry that ahead and I get it from my father. So ये मूफर्ट एटीट्यूड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो भी है वो सब पापा से आता है एंड आई एम जस्ट गोना कैरी इट अहेड. Thank you so much for talking to us, Bebika. Thank you. It was lovely talking to you. Thank you for having me. Thank you for your time. Hi, this is Bebika Dhurve and you're watching me on Pink Villa.